मोदी जीतेगा। ऐसा है ना, मोदी जितना काम करता है, यहाँ सपा की पार्टी ने कुछ नहीं किया सिवा गुंडागर्दी के अलावा। आज जानवर लोगों के खुले में बंधे हैं, आराम से रात में आदमी सोता, रात में मनाता जाता है, पहले आदमी निकल नहीं पाता था। कि पिछले 10 साल में इतना बदलाव हुआ है मोदी के शासन में। मैनपुरी था, वो गुंडों का पूरा प्रशासन यहाँ चलता था, भूमाफिया थे, आतंकवादियों को संरक्षण ये सरकार देती थी सपा। आज योगी मोदी की सरकार ने आज बिल्कुल सफाया कर दिया सबका। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था को चरम पे पहुंचा दिया। मोदी जी की वापसी होगी जी। सर आपका नाम? रमेश सिंह। हम सवाल पूछ रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर, एक तरफ मोदी और एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, आपके हिसाब से किसकी वापसी? ऐसा है कि पिछले 10 साल में इतना बदलाव हुआ है मोदी के शासन में। मैनपुरी था, वो गुंडों का पूरा प्रशासन यहाँ चलता था, भूमाफिया थे, आतंकवादियों को संरक्षण ये सरकार देती थी सपा। आज योगी मोदी की सरकार ने आज बिल्कुल सफाया कर दिया सबका। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था को चरम पे पहुंचा दिया और अगले 10 साल में ये हमारी इकोनॉमी को तीसरी शक्ति के रूप में ले आएंगे मोदी योगी सरकार, इसलिए ये सरकार ही चलेगी यहाँ पर। और आप लोग जितना भी वो सर्वे कर रहे हैं उसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया है कि यूपी में 78 सीटें पक्की हैं। मैनपुरी ये बीजेपी के लिए हालांकि सबसे कमज़ोर सीट है, क्योंकि यहाँ मुलायम सिंह यादव का वो रहा है, क्षेत्र रहा है, तो पिछला जो चुनाव हुआ था वो सहानुभूति का था, लेकिन अब बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं है, अब बदलाव हो रहा है। तो सर यहाँ से जैसे डिंपल यादव जी है, आपने कहा सहानुभूति का जो है एक कार्ड था, तो यहाँ पर डिंपल यादव जी सांसद है, तो क्या जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहे हैं चीज़ें? नहीं, सांसद हैं, हालांकि काम हुआ है ये सपा सरकार में, काम हुआ है, मैनपुरी का विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो ताकत नहीं सपा में रह गई है, क्योंकि इन पे बहुत अब वो एक तुष्टिकरण का बहुत ही इन पे धब्बा लग चुका है। तुष्टिकरण वाली नीति को अब बिल्कुल ही जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है, परिवारवाद को बिल्कुल ही नकार दिया है, क्योंकि ये सरकार पर का परिवारवाद और तुष्टिकरण पर हावी रहती है। इसलिए अब इसमें तो 24 में तो कोई डाउट है ही नहीं कि मोदी जी की सरकार विलो 350 के लगभग आने वाली है। अच्छा सर एक और सवाल है, मतलब एक तरफ अगर आप देखेंगे कि जैसे कि समाजवादी पार्टी का तो ये गढ़ है ही, बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन दो नाम चल रहे हैं, एक डिंपल जो है यहाँ से तो है ही, तो अब एक अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, एक जयवीर सिंह का नाम चल रहा है, आपके हिसाब से कौन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? देखिए वैसे तो सांसद तो कायदे से लोकल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, अपर्णा तो बाहरी मानी जाएंगी, तो अपर्णा को इतना वो नहीं मिलेगी यहाँ। जयवीर सिंह यहाँ लोकल हैं, यहाँ पर उनका वो है वर्चस्व, काम भी करवा रहे हैं, और असली बात तो यह है कि डबल इंजन की सरकार है। सर एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको लेकर लेटेस्ट खबर है उनकी गिरफ्तारी हो गई है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल एक संगठित गिरोह चला रहे थे, आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन को देख लीजिए, उनकी और भी जो हैं जो ये वादे करके लाए थे, आम आदमी का मतलब शुरू में उन्होंने वायदा किया था कि हम दो कमरों में रह लेंगे, हम एक सिंपल दो कपड़ों में रह लेंगे, आज उन्होंने शीश महल जो बनवाया है 50 करोड़ का, 500 करोड़ का, तो आम आदमी कहाँ रह गए हैं? तो इसलिए वो भी वहीं उसी ढर्रे पर चल गए हैं, बिल्कुल शराब माफिया जो क्या नाम उसमें घोटाले किए गए हैं, और अब मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल को तो बहुत पहले जेल चला जाना चाहिए था, और ये सही हुआ है, उनके लिए सही हुआ है। आम आदमी में बिल्कुल उन्होंने पब्लिक को ठगा है, और ठगा किसी लिए गया, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी पढ़े लिखों को वोट देती है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो क्या नाम आपके जो बिल्कुल स्लम कॉलोनी है, जिनको क्या है फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, आवास दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं किया है उन्होंने, कोई नीति नहीं, फ्री की नीति, फ्री बिजली दे दी, फ्री उस पर आ गया है, क्योंकि दिल्ली में 60% पॉपुलेशन है वो गरीबी है, बिहार की ये वैसी है, स्लम है, तो स्लम में ही वोट देते हैं, पढ़ा लिखा कोई वोट नहीं देता है, और एक बार ये बस काट की हांडी चढ़ गई उस समय, अब कुछ नहीं बचा है केजरीवाल के पास, कुछ नहीं बचा है। सर आपका नाम? जगमोहन सिंह चौहान।
सर हम सवाल पूछ रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर, एक तरफ मोदी है एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, अगर मोदी जी नहीं तो विपक्ष में कोई चेहरा जो बराबर टक्कर देगा? विपक्ष में कोई नहीं, नहीं। मोदी जीतेगा। अच्छा सर कारण? ऐसा है ना, मोदी जितना काम करता है यहाँ सपा की पार्टी ने कुछ नहीं किया सिवाय गुंडागर्दी के अलावा। आज जानवर लोगों के खुले में बंधे हैं, आराम से रात में आदमी सोता है, रात में मनाता जाता है, पहले आदमी निकल नहीं पाता था क्यों? अच्छा रही विधायक का काम, इन्होंने दो पैसे का काम नहीं किया, करते हैं तो सिर्फ ये अपने यादवों का करते हैं, बाकी कभी इन्होंने दूसरी पार्टी का काम नहीं किया और यादवों में गुंडागर्दी है। बाकी आज 10 साल हो गए कम से कम, मैनपुरी बिल्कुल सेफ चल रही, 7-8 साल से या गांव में चले जाओ बिल्कुल सेफ है, आदमी आराम से सोता है, आराम से खाता है, जानवर बंधे हुए दुकानें आराम से, या कहीं भी कुछ काम नहीं हो रहा। सर जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ मैनपुरी को कहा जाता है, पहले जो है मुलायम जी थे और अभी जो है डिंपल यादव जी चल रही है, तो डिंपल यादव जी सांसद के तौर पर कुछ जमीनी स्तर पर कुछ काम वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है? इन्होंने काम किया सिर्फ यादवों को किया या अपने आदमियों का, बाकी काम कुछ नहीं किया, बाकी किसी का काम नहीं किया दूसरे में। अभी हमारे जैसे आसपास गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, उनमें जाके देखो खड्डे हैं दरवाजों पर, कुछ काम नहीं। और सर एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर कोई टिप्पणी? वो बिल्कुल सही गिरफ्तार हो गए हैं, वो ये बोलते थे कि मैं बिल्कुल कट्टर ईमानदार हूँ और देखा जाए वो सबसे कट्टर बेईमान आदमी है, कोई ईमानदार नहीं। बाकी वो भी ये सब सपा हुई कांग्रेस हुई, ये देखो बीजेपी में बाबा जी ने जो काम किया, मोदी ने काम किया, इन्होंने काम जनता के लिए किया, अपने घर के लिए नहीं किया। और इन्होंने क्या सैंपई में अपने बच्चा भी जो है ना पेट में था उसको भी टिकट दे दी, दूसरे को टिकट दी किसी को सपा ने, और क्या नाम कांग्रेस है आज तक जो है ना कांग्रेस के अलावा कोई और इनका बना? ऐसे केजरीवाल क्या बोलता था अन्ना को, कसम खाता था बच्चों में ये नहीं करूँ वो करूँ, आज केजरीवाल ने अरबों रुपये खरबों रुपये मकान में अपने लगा दिए। तो केजरीवाल तो महा घोर बेईमान आदमी, बोलता कट्टर ईमानदार हूँ। देवेंद्र सिंह सर लोकसभा चुनाव को लेकर हम 2-3 सवाल कर रहे हैं लोगों से। सर एक तरफ जो है मोदी जी है जो वापस से वापसी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जिसमें बहुत सारे चेहरे हैं, राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तो क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी या विपक्ष में कोई चेहरा जो टक्कर देगा? मोदी जी की वापसी होगी जी। सर कारण? कारण गुंडागर्दी खत्म, सबसे बड़ी बात तो यही है। सर मैनपुरी की बात कर ले तो यहाँ पर जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है बीजेपी की स्थिति की अगर हम बात कर ले, क्योंकि अभी कैंडिडेट के नाम की तो खैर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या बदलाव यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पर तो जी मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। अच्छा डिंपल जी की बात करें, डिंपल जी यहाँ से सांसद हैं, तो क्या उन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पर? यहाँ से तो कोई काम नहीं किया जी अभी तक, काम कुछ नहीं हुआ है। सर और एक सवाल है कि एक तरफ जो है बीजेपी की तरफ से कई सारे नाम चल रहे हैं, एक नाम चल रहा है जो है उनकी देवरानी का नाम भी चल रहा है, पन्ना यादव का नाम चल रहा है, एक जयवीर जी का नाम चल रहा है और केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है, आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट बेहतर रहेगा मैनपुरी के लिए अगर बराबर की टक्कर होनी चाहिए? केशव प्रसाद मौर्य बेहतर रहेंगे। अच्छा सर एक आखिरी सवाल है, केजरीवाल जी को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ कहेंगे उस पर? वहाँ भी जी जिसकी चलती है उसकी वो है, बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं केजरीवाल जी को, लग रहा है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी अभी? नहीं होनी। कमल कुमार। अच्छा लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष, क्या लगता है? मोदी। कारण सर? कारण विकास। अच्छा मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत है ऐसा कहा जा रहा है, फिर मैनपुरी में ही है बाकी प्रदेशों में अन्य जिलों में? एक तरफ मोदी एक तरफ विपक्ष, क्या कहेंगे? विपक्ष सब फेल है इस टाइम, कुछ भी नहीं आनी, कोई सीटें नहीं आनी है, विकास और कार और कर की जो वो मिला है उस कारण सब संतुष्ट हैं मोदी जी से। अच्छा तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, तो डिंपल यादव जी सांसद है, जमीनी स्तर पर कुछ काम नहीं हो सकता है ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, भाई उनका गढ़ है निकल सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक जनता चाहती है वो मोदी को चाहती है। हाँ हाँ मुझे। अच्छा सर आपका नाम? सुनील मिश्रा हमारा नाम है। सर हम सवाल पूछ रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, एक तरफ मोदी है एक तरफ विपक्षी गठबंधन है जिसमें कई सारे बड़े चेहरे हैं, तो अगर मोदी नहीं तो कोई ऐसा विपक्ष का चेहरा जो आपको लगता है बराबर की टक्कर देगा? नहीं विपक्ष में तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है। मोदी के कारण? मोदी ने लोकप्रियता हासिल कर ली, अच्छा आदमी है इसलिए उसे प्रभावित करते हैं। क्या काम जो है ऐसा किया जिसे आप प्रभावित? सारे अच्छे ही काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो कर ना रहे हो, अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। डिंपल जी यहाँ से सांसद है समाजवादी पार्टी से, तो जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ यहाँ?
हमारी समझ में तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कुछ कहेंगे? अब देखो, चोरी करोगे तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, चाहे वो भाई कानून का जो फंडा है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे राष्ट्रपति हो। सर आपकी? धर्मेंद्र। सर, हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि 24 का चुनाव होने वाला है, एक तरफ मोदी जी, एक तरफ विपक्षी गठबंधन है, अगर मोदी जी नहीं तो विपक्ष में कोई चेहरा आपके हिसाब से जो टक्कर दे? देखिए, यहाँ पे मैनपुरी का जो चुनाव है वो एक बहुत सिंपल है, कोई विशेष जाना वो नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है लोकसभा के चुनाव में विपक्ष हमेशा ताल ठोंकता है और लास्ट में बिल्कुल शून्य हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, डिंपल भाभी अच्छे मतों से जीतेंगी, लोग अपनी अपनी कहेंगे। अच्छा, प्रत्याशियों की बात ऐसी है कि अगर प्रत्याशी, जैसे मान लो हमेशा शाक्य प्रत्याशी मैदान में आता है मैनपुरी में, सिंगल देख लो कोई बचा हो, फिर मान लो अब एक ऐसा ही एक प्रत्याशी ये बचे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी यहाँ से हार के जाएंगे और डिंपल भाभी जीत के जाएंगे। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि डिंपल भाभी, तो अब बीजेपी की तरफ से एक अपर्णा यादव जी का भी नाम चल रहा है, तो मुकाबला फिर भाभी वर्सेस भाभी हो जाएगा फिर? नहीं, ये कुछ नहीं, ये सब बहुत अफवाहें चल रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब समझदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपर्णा का नाम कहाँ चल रहा है, कहीं देखा आपने? ये बीजेपी वाले एक उड़ा रहे हैं अफवाह कि मान लो अपर्णा का नाम आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आएंगी तो ऐसी मान लो डिंपल का जो वो है वो अपना यहाँ से अच्छा वर्चस्व है, गढ़ है उनका, सपा का गढ़ है, और वो जीत के जाएंगे, ये है यहाँ की प्रक्रिया, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ।